नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक सीपीयू कूलर की, जो कि मैंने मंगाया हुआ है अमेजन से। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरी इनवॉइस है। अब मैं आपको इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कॉर्सेयर हाइड्रो CW ऑल इन वन लिक्विड CPU कूलर। मतलब ऑल इन वन मतलब ये यूनिवर्सल CPU कूलर है। ये आपकी AMD मदरबोर्ड्स के साथ और इंटेल मदरबोर्ड के साथ, दोनों के साथ काम करेगा। आप इसमें देख सकते हैं, ये है, मुझे पड़ा है 4291 रुपये का, जिसमें 654 रुपये मुझे GST देनी पड़ रही है, 18% IGST। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप बॉक्स के एकदम फ्रंट पे, एकदम ऊपर के साइड जो आपका है, देख सकते हैं, एकदम कोने में आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्सियर ब्रांडिंग है, राइट हैंड साइड पे हाइड्रो सीरीज। मतलब जो इनकी, इनके जो नॉर्मल फैंस भी आते हैं कॉर्सियर वालों के, इनके हाइड्रो सीरीज वाले फैंस हैं, मतलब CPU कूलर हैं। H45 इसका मॉडल है। इसमें H60 भी आता है, जो थोड़े और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सिंगल फैन है, ना कि डबल फैन है, और 120 mm का एक सिंगल फैन है। डबल फैन वाले 240 mm के होते हैं। 5 साल की वारंटी भी है इसमें। तो चलिए, ये तो था इसका डिब्बे के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, वो था। चलिए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये बाहर निकल चुका है। चलिए सबसे पहले इसकी पॉलिथीन हटा लेते हैं। हाँ, पॉलिथीन हटाने से पहले इसका जो है, आपको मैं ओरिजिनल रेट दिखा देता हूँ, इसका मार्केट प्राइस क्या है, अमेजन वालों ने मुझे कितना डिस्काउंट दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट प्राइस 6,080 रुपये है, और अमेजन वालों ने जो भी मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड कराया, अप्रॉक्स 20%, उसके बाद मुझे पड़ गया ये जो भी 15 से 20%, मुझे पड़ गया ये लगभग 4,000 रुपये का, 4,191 रुपये। चलिए इस पन्नी को भी हटा देते हैं। हाँ, और काफ़ी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग की हुई है, पॉलीथीन वगैरह है, पूरी तरह से सील्ड है, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है परफॉर्मेंस 120 mm लिक्विड CPU कूलर। मतलब आप इसका जो फैन साइज़ है 120 mm है। 120 mm बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका कैबिनेट 120 mm से छोटा है, देन आप इसको ना खरीदें, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू। अगर आपका 120 mm से ज़्यादा है, 120 mm है, आपको सपोर्ट करता है, देन गो फॉर इट। और आपका इन द बॉक्स में देख सकते हैं, हाइड्रो सीरीज H45 परफॉर्मेंस 120 mm लिक्विड CPU कूलर, मतलब CPU कूलर है। दूसरा, आपके माउंटिंग ब्रेकेट्स हैं, जो आपको माउंट करेंगे चिपसेट के ऊपर CPU कूलर को, और क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब आपको कैसे माउंट करना है वो भी दिया हुआ है। साथ ही साथ अदर लैंग्वेजेस में वो लिखा हुआ है AM4, यानी ये AM4 कंपेटेबल का मतलब होता है कि आपकी जो AMD मदरबोर्ड्स हैं उसमें भी ये लग जाएगा। साथ ही साथ इंटेल की जो LG 1151 मदरबोर्ड्स हैं उसके लिए भी ये कंपेटेबल है, मतलब उसमें भी आसानी से माउंट हो जाएगा। तो वाओ, फॉर्म वगैरह ऊपर दे रखा है, मतलब काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, आपका प्रोडक्ट ये टूटने नहीं देंगे। और ये है आपकी वारंटी के अगेंस्ट डिफेक्ट, मतलब कौन कौन से डिफेक्ट में ये आपको वारंटी प्रोवाइड कराएंगे, जैसा स्मॉल कैटलॉग। ये आपकी वारंटी गाइड है, मतलब किस किस में प्रोवाइड नहीं कराएंगे, किस किस में कराएंगे। वेल, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका AMD माउंटिंग ब्रैकेट का कैटलॉग है कि आपका जो, जैसे आप देख सकते हैं, AMD माउंटिंग ब्रैकेट बना हुआ है, ये पैरेलल होता है, जिसके जैक पोर्ट्स हैं ऊपर नीचे, थोड़ा सा जो उसका होता है इंटेल माउंटिंग ब्रैकेट होता है, वो थोड़े से स्लैंट होते हैं, थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अब ये आपकी क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब आपको कैसे इसको लगाना है, ये गाइड के एक तरीके से पूरा इन्होंने चार्ट है, चार्ट ही दे रखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इंटेल में कैसे करना है और आपका AMD में कैसे करना है, ये बहुत साइड है, दोनों साइड में निकलते दे रखा है। हाँ, वेल, अगर आपको नहीं माउंट करना नहीं आता है, देन आप इसको देख सकते हैं, इसकी थॉरो स्टडी कर लीजिए, देन माउंट करने की कोशिश करिए। अगर आपको आता है, देन मेरी तरह इसको उधर छोड़ दीजिए। अब आप देख, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो ब्रेकेट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें तीन ब्रेकेट्स हैं, आई गेस, या तीन ब्रेकेट्स हैं, और जो आपकी यूज़फुल स्क्रूज़ हैं वो भी इसमें प्रोवाइड हैं। अलग से आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका जो पहला ब्रेकेट है, इसके बारे में बता दूं, ये आपका AMD ब्रेकेट है, ये आपकी AMD जो मदरबोर्ड्स पर ही काम करेगा, इंटेल पर काम नहीं करेगा। ये आपका इंटेल का ब्रेकेट है, ये आपकी इंटेल मदरबोर्ड्स पर काम करेगा, ये AMD पे नहीं करेगा। और ये आपका इंटेल मदरबोर्ड के लिए ही ये जैक है, जो मदरबोर्ड के पीछे से लग जाएगा, और साथ ही ब्रेकेट इसके ऊपर माउंट हो जाएगा, बीच में आपका थर्मल आ जाएगा। और ये जो बीच में आप होल देख रहे हैं, इसमें आपका जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपका जो थर्मल है, इसके ऊपर आप देखेंगे, एक सेकेंड, मैं पहले प्रोडक्ट को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं पन्नी भी हटा लेता हूँ। हाँ, तो
अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका इसमें एक प्लास्टिक इन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर भी दे सकती दे रखी है। मैं बताऊंगा अभी क्यों। देखा देख सकते हैं कॉर्सियर ब्रांडिंग है, और जहाँ पर कॉर्सियर ब्रांडिंग है वो हल्का सा माउंट है उठा हुआ है, जो ये जो बीच में होल है स्फेरिकल सर्किल उसमें पूरी तरह से फिट हो जाएगा, और जिससे आपका जो थर्मल है दाएँ बाएँ बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, और ये आपके मदरबोर्ड के पीछे से माउंट आ जाएगा, ऊपर से आप ब्रेकेट लगा देंगे एंड पूरी तरह से ये फिट हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट पूरी तरह से अनबॉक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि थर्मल कूलर या जो भी है थर्मल फैंस या सीपीयू कूलर अप्लाई करने से पहले आपको थर्मल एक जेल लगाना पड़ता है, तो वेल इसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि थर्मल पेस्ट पहले से ही इसमें अप्लाइड है, और उस थर्मल पेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिक प्रोटेक्टिंग ग्लास भी ऊपर से लगा रखा है, कवर भी है, सो वो पूरी तरह से सेफ़ है। एंड साथ में ऊपर कॉर्सियर ब्रांडिंग है जो हल्की सी माउंटेड है, जो पूरी तरह से ब्रैकेट में फिट हो जाएगी इस तरह से बिल्कुल एकदम सटीक, और ऊपर ये आपका मदरबोर्ड के पीछे आ जाएगा। वेल मैं आपको भी माउंट करके दिखाऊंगा, जस्ट ये क्विक आइडिया देने के लिए था। और ये आपका कॉर्सियर ब्रांडिंग, ये जो आपका रेडिएटर है इसके साइड में कॉर्सियर ब्रांडिंग भी है। आपकी इसमें दो पिन, दो आपके केबल्स हैं, एक 3 पिन केबल है, एक 4 पिन केबल है। ध्यान रखिए कि जो आपका जो 4 पिन केबल है, आपका जो सीपीयू जहाँ पे आप मदरबोर्ड पे देखेंगे, यहाँ एक सिस्टम फैंस के लिए पिन्स बनी होंगी और सीपीयू फैन के लिए पिन बनी होंगी, तो जहाँ पे सीपीयू फैन के लिए पिन बनी हो उसमें वहाँ पे 4 पिन होंगी, उसमें 4 पिन वाला आप केबल लगा देंगे, और जहाँ पे सिस्टम फैन के लिए पिन बनी होंगी वहाँ पर आप 3 पिन वाला केबल आप लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो 4 पिन वाला केबल है वो सीपीयू फैन में ही लगाई, क्योंकि तभी आपका जो फ़ैन की स्पीड मेंटेन, आपका जो सीपीयू मदरबोर्ड है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि फ़ैन की स्पीड घटानी है कि बढ़ानी है उसी हिसाब से मेंटेन करेगा। अगर आप इसको वाइस वर्सा कर देंगे, मतलब 3 पिन वाला अगर आप सीपीयू में लगा देंगे सीपीयू फ़ैन में, तो आपका फिर वो फ़ैन की स्पीड एक कॉन्स्टेंट ही रहेगी, घटे बढ़ेगी नहीं। तो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है या आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं, हाई एंड वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका फ़ैन जो है स्पीड तेज़ कर सके ज़रूरत पड़ने पर ओवरक्लॉकिंग पे, और स्पीड धीमी भी कर सके। तो 4 पिन में 4 पिन आपका जो सीपीयू फैन जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे 4 पिन वाला, और जहाँ पे आपका सिस्टम फैन वहाँ पे 3 पिन। ये आपके कुछ स्क्रूज़ इन्होंने दे रखे हैं। पहले मैं आपको सारे स्क्रूज़ बाहर निकाल लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है ये आपका इंटेल के लिए, अगर आपकी मदरबोर्ड 775 है, 115X है या 1366 है, तो आप इसमें ये स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं माउंट करने के लिए। AMD के लिए भी इन्होंने दे रखा है, और ये साथ में जो स्क्रूज छोटे और बड़े, ये आपका रेडिएटर माउंट करने के लिए है। आप अपने कैबिनेट में रेडिएटर भी माउंट कर सकते हैं। अगर छोटे स्क्रू डायरेक्ट रेडिएटर में माउंट करना है तो आप छोटे स्क्रूज यूज़ करेंगे, और आपको कुछ बीच में स्लॉट लगा के यूज़ करना है तब आप बड़े स्क्रूज यूज़ करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका दे रखा है, ये आपका उसके मतलब इंटेल के लिए स्क्रूज था वेल, और ये आपका दे रखा है, ये आपका AMD के लिए स्क्रूज दे रखे हैं वेल। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास इंटेल की मदर LG 1151 मदरबोर्ड है, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए आइए इसको माउंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे CPU का बैक पैनल है, पीछे की साइड से मदरबोर्ड, और ये आप देख सकते हैं जो जैक है जिसमें मुझे जो माउंट करने में हेल्पफुल करेगा, और ये चारों में मदरबोर्ड के पीछे से मैं लगा दूंगा। उस जैक के पहले एक प्लास्टिक कवर लगा होगा, प्लास्टिक एक मतलब एक कवरिंग लगी, उसको मत निकालिएगा, वो आपका मदरबोर्ड से टच होने से बचाता है, ठीक है, ताकि कोई इसमें स्लॉट से मतलब कोई इसमें ताकि स्टैटिक एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो। आप इसको इसी तरह लगा रहने दें, या अगर आप 2 लोग हैं तब एक लोग पीछे से इसको पकड़ सकते हैं ताकि बाद में फंबल ना करे, या अगर आप एक ही लोग हैं तो नीचे कुछ हल्का सा सपोर्ट लगा के CPU को अपने गिरा लीजिए, जैसा कि मैंने कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैं रेडिएटर को माउंट करने वाला हूँ। ये रेडिएटर ये मैं अपने CPU के बैक पैनल पे पीछे की साइड पे मैंने फ़ैन निकाल लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे रेडिएटर में माउंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेडिएटर को पूरी तरह से सेट कर लिया है, स्क्रूज़ आप देख लीजिए कि सब सही से सामने सेट हैं या नहीं सेट हैं, तभी स्क्रूज कसने की कोशिश करिए, उसमें ज़बरदस्ती मत करिए, बिकॉज़ बहुत बार होता है ज़बरदस्ती करने के कारण रेडिएटर आपका बेंड हो जाए या हल्का सा क्रैक हो जाए, देन इट्स नॉट गुड। सो पहले पूरी तरह से देख लीजिए कि सही से होल मिल रहे हैं या नहीं, देन आप स्क्रू को टाइट करिए। तो अब मैं पहला स्क्रू में टाइट करने वाला हूँ, ये सही से इजीली टाइट हो जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक हल्का सा आपको टाइट फील आ जाए वहीं पर छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। और अब चारों स्क्रू इसी तरह, पहले आप पूरी पहली बार में स्क्रू पूरी तरह टाइट मत करिए, हल्का सा टाइट करिए, चारों स्क्रू पहले लगा लीजिए, और वो भी जिग जैक लगाइए, पहले पहला फिर एडजेसेंट साइड में तीसरा फिर चौथा, इस तरह से लगाइए। चारों लगाने के बाद एक बार चारों को हल्का हल्का एक टाइट ग्रिप की तरह टाइट करिए, बहुत ज़्यादा मत कसिएगा, अदरवाइज़ उसको वो कहीं आपका CPU कूलर नहीं भागने वाला। एक लाइट
टाइट ही करिए, बहुत ज़्यादा उसको कसने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मेरा सीपीयू यहाँ पर, सीपीयू में मेरा सीपीयू कूलर, मेरा जो रेडिएटर था वो माउंट हो चुका है मेरा कैबिनेट में। अब मैं लगाने वाला हूँ थर्मल, और ये मैंने पॉलीथीन हटा ली है ब्रैकेट के ऊपर से, और ये है मेरा थर्मल। इसके ऊपर से मैंने प्लास्टिक कवर भी हटा लिया, आप देख सकते हैं थर्मल जेल इस पे लगा हुआ है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, मतलब कहीं से कुछ भी छूटने नहीं वाला। अब मैंने इसमें ब्रैकेट पीछे प्लेस कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट फिट हुआ है। अब मैं इसको इसके ऊपर चिपसेट के ऊपर, अपने जो मेरा प्रोसेसर है उसके ऊपर मैं इसको लगाने वाला हूँ। पीछे से मैंने जैक लगा ही रखा है, मुझे सिर्फ इसमें स्क्रूज टाइट करना है। इसको लगाने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप किस एंगल पर लगा रहे हैं, अदरवाइज़ आप अगर किसी गलत एंगल पर लगाएंगे और ट्यूब्स, जो लिक्विड की ट्यूब्स जा रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तब ये दिक्कत आ सकती है कि कहीं से ट्यूब्स में धीरे धीरे करके लीकेज आ जाए या कहीं से ट्यूब ब्रेक हो जाए, तो आपकी मदरबोर्ड पूरी तरह ख़राब हो जाएगी, उस पर पूरी लिक्विड फैल जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं स्क्रू इसमें यूज़ कर रहा हूँ, और ध्यान रखें कि सही एंगल पर आप टाइट करें, ज़बरदस्ती उसको टाइट करने की कोशिश ना करें, ट्यूब्स को खींचे ना, आसानी से जिस एंगल पर वो बेंड हो जाए, जिस पे वो कंफर्टेबल रहे ट्यूब्स, वहीं पर टाइट करें। बिकॉज़ अगर वो मतलब लिक्विड लीक कर गया तो आपको सीपीयू कूलर के साथ साथ आपको मदरबोर्ड को भी रिप्लेस करना पड़ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको आराम से, अच्छे से, बहुत लाइट हैंड से टाइट करें, क्योंकि नीचे आपकी मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के नीचे आपका जो वो जैक लगा हुआ है, तो जैक आपका जो होल्ड है वो मदरबोर्ड पर ही होल्ड है। तो बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा कस देंगे तो आपके मदरबोर्ड बीच में बेंड होने लगेगी एंड क्रैक भी हो सकती है। तो बहुत ही लाइट हैंड से टाइट करें, जैसा कि आप, मैंने आपको दिखाया था जो स्क्रूज़ है उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, इसी कारण से स्प्रिंग लगी हुई है, ताकि आप उसको बस एक हल्का सा उसको ग्रिप मिल जाए, बस टच होने भर का। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दीजिए और फिर मदरबोर्ड पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाए, क्योंकि जो जैक है वो कहीं और नहीं, पीछे मदरबोर्ड पर ही, एक मदरबोर्ड पर ही वो क्या बोलते हैं सपोर्ट है उसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से कर लिया है। अब मैं इसमें पिन कनेक्ट करने वाला हूँ, तो जो मेरा 4 पिन केबल है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है आपका क्या बोलते हैं सीपीयू फैन में, जहाँ पे सीपीयू फैन था मेरा वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो 3 पिन केबल है वो मैं कनेक्ट कर दिया है मैंने अपना सिस्टम फ़ैन में, जहाँ पे सिस्टम फ़ैन लिखा हुआ था 3 पिन वहाँ पर वो, और 4 पिन का मैंने सीपीयू फ़ैन में। तो जैसा आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, कहीं से भी कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है, और ये सक्सेसफुली जो मेरा ये क्या बोलते हैं सीपीयू कूलर है माउंट हो चुका है, रेडिएटर माउंट हो चुका है पूरी तरह से। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको लगता है कि इनफॉर्मल है तो शेयर भी करें। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं इस पावर सप्लाई से या मदरबोर्ड से या किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके आंसर्स जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊं। ओके दोस्तों, ओवर एंड आउट। I still looking at me.